हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल और देखेंगे कहां पे एंट्री कर सकता है। तो आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल एक बड़ा वाला रेंज में चल रहा है। तो जिसे मैंने थोड़ा छोटा करके दिखाऊं आपको, तो आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल एक रेंज में चल रहा है, राइट। ये रेंज में तो यहाँ से मुझे लगा क्रूड ऑयल नेक्स्ट 4200 के आसपास जा सकता है मार्केट, क्योंकि आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल एक ये जो रेंज हमें मिला, राइट, तो ये रेंज में अभी जा रहा है। आप देख सकते हैं, तो बाद में ये जो नीचे आया था क्रूड ऑयल, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये एक छोटा वाला रेंज में आ रहा था, राइट। ये तो बाद में इसको ब्रेकआउट किया, आपने देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट किया और यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन दिया अराउंड 3984। तो आपको बाय लेना है तो 3984 का ऊपर, जैसे 4000 में आप बाय ले सकते हैं, राइट। 4000 में अगर बाय लेंगे तो नेक्स्ट टारगेट हमें 4200 का रहेगा लॉन्ग पोजीशन के लिए। आपके आप देख सकते हैं, अगर देखे तो प्रीवियस बिहेवियर जो ये मूविंग एवरेज के नीचे में आया, जो मतलब आदमी जो पहले प्रीवियस देखेंगे तो यहाँ पे सेल ऑर्डर लिया था, फिर से मार्केट ऊपर चला गया, तो सिमिलरली ये जो हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक ही पैटर्न फॉर्म हुआ, इसको ब्रेकआउट किया, बाद में ये मार्केट ऊपर चला गया, राइट। तो जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट करके ऊपर चला के ऊपर अपर ब्रेंड तक गया हुआ है, तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट करके हाई प्रोबेबिलिटी है ये नेक्स्ट अपर ब्रेंड तक जा सकता है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज, सॉरी परसेंटेज R50 को ब्रेकआउट करने के लिए लिया हुआ है। अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो मुझे लगता है यहाँ पे 4200 तक जा सकता है, राइट। तो हम देखेंगे छोटा टाइम फ्रेम, जैसे 15 मिनट में एंट्री के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने जैसे आपको ड्रॉ कर दिया ये लाइन, तो अभी मार्केट एक छोटा रेंज में चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। ये तो इसलिए यहाँ पे मुझे लगा अगर आपको एंट्री करना है तो 4000 ऊपर ही एंट्री करना चाहिए, अगर नहीं तो अगर मार्केट फिर से नीचे आया तो यहाँ से फिर से आप एंट्री कर सकते हैं बाय के लिए, राइट। ऊपर भी बाय के लिए और नीचे भी रिट्रेस किया तो बाय के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस की नीचे में है, राइट। रेजिस्टेंस का नीचे जब रहता है, जैसे ये नीचे आ गया तो यहाँ से फ्यूचर नीचे आ गया, तो यहाँ से भी फ्यूचर नीचे आ सकता है, तो अगर नीचे आ गया तो आप फिर से यहाँ पे बाय एंट्री कर सकता है, राइट। अगर ये नीचे नहीं आया तो फिर से ऊपर ऊपर कंटिन्यू किया तो यहाँ ऊपर 4000 का ऊपर में आप बाय जा सकता है, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।